शनिवार की देर शाम गोवर्धन के गांव जखन गांव में अज्ञात कारणों से दो बुर्जियों में आग लग गई, जिसमें किसानों का हजारों का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जखन गांव में बने भारत गैस गोदाम के नजदीक संजू शर्मा पुत्र मक्खन लाल निवासी जखन गांव के खेत में दो बुर्जियों में अचानक आग लग गई। वहीं सूचना पाकर पहुंची दमकल और स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किसान का हजारों का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि पास में ही गैस सिलेंडर का गोदाम बना हुआ था। अगर आग ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती तो शायद कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, पर दमकल और स्थानीय पुलिस ने पहुंचते ही तुरंत आग पर काबू पा लिया। इस संदर्भ में एक स्थानीय नागरिक पवन शर्मा ने जानकारी दी। पवन शर्मा नाम है मेरा, कहाँ के रहने वाले हो? हम जखन गांव के रहने वाले हैं। क्या कुछ मामला हुआ है आग का? यहाँ पे तो बुर्जी तीन में आग लग गई है। साढ़े चार बजे के करीब आग लगी थी यहाँ पर। कितनी बुर्जियों में? ये दोनों बुर्जियों में आग लगी है, जो संजय शर्मा जी की बुर्जी थी दोनों। तो क्या कारण हुआ आग का पता चला कुछ? कारण तो नहीं पता है, क्योंकि कारण तो नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन यहाँ कुइयां थी उसमें से सभी गांव वालों के सहयोग से आग को बुझा दिया गया था। और जो दमकल की गाड़ी है वो करीबन आध पौन घंटे बाद आई है सूचना के बाद। हाँ, और इसमें करीबन 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, और अब तो फिलहाल बुझा दी गई है। आज पूरे गांव के सहयोग से पहले यहाँ पे आज को बुझा दिया गया था। तो क्या बगल में कुछ गैस गोदाम बताया जा रहा है यहाँ? हाँ, ये गैस गोदाम था बगल में, ये गैस गोदाम है, लेकिन उससे कोई क्षति नहीं है। गैस गोदाम को थोड़ा दूर था, 10 मीटर हट गया, बिल्कुल बाउंड्री जुड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर गाँव वालों का सहयोग था, वहाँ तक आँस नहीं पहुँची है, लेकिन दोनों बुर्जियाँ पजर गई हैं, जिसमें करीबन 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका। अब बुझ चुकी है आग? हाँ, अब बुझ चुकी है। इनका सहयोग रहा है, दमकल वाले आ गए, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया यहाँ पर आगे।